हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा सेशन रहने वाला है बेस्ट एमसीक्यूज फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसे एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन वीट इज। वीट में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरीगेशन है CRI स्टेज। तो CRI स्टेज जो है ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरीगेशन के लिए वीट में। तो CRI का फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन। CRI स्टेज जो है ये आता है 21 डेज आफ्टर सोइंग। मतलब अब वीट की सोइंग करने के बाद 21 डेज के बाद अगर आप वीट को अपरूट करके देखोगे वीट के प्लांट को, तो आपको वहाँ पे क्राउन रूट्स अपीयर हो रहे हैं, अपीयर होना स्टार्ट हुए ऐसे दिखेंगे। ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट इज़ नोन एज क्राउन रूट इनिशिएशन। जो रूट और शूट के बीच का जो जोन होता है वो होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट्स इन वीट अपीयर बिलो सॉइल सरफेस बट अबव सीड। जो नॉर्मल रूट्स होते हैं वो जनरली कोई भी प्लांट में जो है नॉर्मल रूट्स जो होते हैं वो सीड के नीचे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो क्राउन रूट्स है वो जो है वो सीड के ऊपर लेकिन सॉइल के नीचे देखे जाते हैं। तो आपको डायग्राम से समझ में आ ही जाएगा। तो ये आप ओवल शेप का जो देख रहे हो ये सीड है। ओके, सीड के नीचे जो है वो नॉर्मल रूट्स है या फिर उसको सेमाइनल रूट्स भी कहते हैं। एंड जो सॉइल सरफेस के नीचे में आप ये देख सकते हो सीड के ऊपर एंड सॉइल सरफेस के नीचे जो जोन दिख रहा है ये जो इतना यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है क्राउन, तो आप देखिए यहाँ पे। तो ये होता है क्राउन रूट्स जो है वो सीड के ऊपर लेकिन सॉइल के नीचे में प्रेजेंट होते हैं वीट क्रॉप में। इफ़ वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड ओनली वन इरीगेशन टू वीट देन इट शुड बी अप्लाइड एट। अगर सिर्फ एक ही इरिगेशन है कि इतना ही वाटर है कि आप सिर्फ एक ही इरिगेशन दे सकते हैं तो वो CRI स्टेज पे ही देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न जो कॉर्न है जो पॉपकॉर्न के लिए यूज़ होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो जिया मेस इवर्टा ये साइंटिफिक नेम है पॉपकॉर्न का। तो सिमिलरली बाकी के कॉर्न्स का भी हम साइंटिफिक नेम देखते हैं। तो जिया मेस इंडेंटाटा जो है डेंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है। तो आपको इसमें याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिया मेस इंडेंटाटा यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे डेंट आपको दिख रहा है तो वहाँ से ही पता चल रहा है कि ये डेंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद जो है जियामेस इंड्यूराटा जो है वो फ्लिंट का कॉर्न का साइंटिफिक नेम है। जियामेस सैकेराटा, ठीक है, सैकेरा से आपको समझ में आई गया होगा कि वो स्वीट स्वीट को जियामेस सैकेराटा इट इज़ स्वीट कॉर्न। उसके बाद जो है जियामेस अमाइलेशिया, तो फ्लोर में अमाइलोज या अमाइलेज होता है तो उससे भी आप याद में रख सकते हो जियामेज अमाइलेशिया ये जो है ये फ्लोर कॉर्न होता है। उसके बाद जो है जियामेज सीरेटेनिया जो है वो वैक्सी कॉर्न होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉरिजोन इज नोन एज जोन ऑफ वॉशिंग इन। तो सॉइल प्रोफाइल का ऐसा कौन सा हॉरिजोन होता है जिसे जोन ऑफ वॉशिंग इन कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है बी हॉरिजोन। ओके, तो सॉइल प्रोफाइल में वेरियस हॉरिजॉन्स होते हैं जैसे ओ ए बी या सी हॉरिजॉन्स होते हैं। तो सारे हॉरिजॉन्स को हम देखने वाले हैं। ओ हॉरिजॉन जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी। ओ हॉरिजॉन इज़ प्रेजेंट इन विच हॉरिजॉन या अब्सेंट इन विच हॉरिजॉन। तो ओ हॉरिजॉन जो है ये विजिबल सॉइल्स में, सॉरी वर्जिन सॉइल्स में विजिबल होता है एंड अब्सेंट होता है एरेबल सॉइल्स में। ओके, उसके बाद जो है ए हॉरिजॉन जो है इट इज़ जोन ऑफ वॉशिंग आउट और मैक्सिमम लीचिंग या उसको ही इलुवियल हॉरिजॉन भी कहते हैं। तो ए हॉरिजॉन जो है इट इज़ कॉल्ड इलुवियल हॉरिजॉन जोन ऑफ वॉशिंग आउट या मैक्सिमम लीचिंग। ओके, तो ए हॉरिजॉन के
कुछ सब हॉरिजॉन्स भी होते हैं, जैसे A1 या A2, तो A2 हॉरिजॉन को ही ई हॉरिजॉन भी कहा जाता है। तो ई हॉरिजॉन ये जो है, इट इज़ अ हॉरिजॉन ऑफ मैक्सिमम इल्यूविएशन। ओके, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग हॉरिजॉन इज़ द जोन ऑफ मैक्सिमम इल्यूविएशन, तो उसका आंसर होता है ई हॉरिजॉन। ओके, ई हॉरिजॉन और A2 हॉरिजॉन। तो आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हो, सॉइल प्रोफाइल के जो सबसे ऊपर का है वो है ओ हॉरिजॉन, ठीक है। उसके बाद A1 हॉरिजॉन, ये जो है ये टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन है, जहाँ जो सबसे ज़्यादा रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में। उसके बाद A2 हॉरिजॉन है, या इसको ही ई हॉरिजॉन भी कहते हैं, तो इट इज़ दी जोन ऑफ मैक्सिमम इल्यूविएशन। ओके, एंड ए हॉरिजॉन जो है यहाँ पे होता है मैक्सिमम लीचिंग, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ वॉशिंग आउट। उसके बाद है बी हॉरिजॉन, तो बी हॉरिजॉन को इलूवियल हॉरिजॉन कहते हैं, जोन ऑफ वॉशिंग इन एंड मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। ओके, तो बी हॉरिजॉन में जो है मैक्सिमम ऑक्यूमुलेशन होता है मटेरियल, जैसे एल्यूमिनियम या फिर आयरन ऑक्साइड्स या फिर सिलिकेट क्लेस का जो है, ये जो है एरिया बी हॉरिजॉन का जो एरिया है वहाँ पे मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल्स, जैसे एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट क्लेस। उसके बाद जो है सी हॉरिजॉन जो है, ये सबसे उस बी हॉरिजॉन के नीचे होता है सी हॉरिजॉन, जो होता है जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग, ठीक है। जोन ऑफ लीस्ट वेदरिंग जो है वो सी हॉरिजॉन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा कंटेंस, तो माइकोप्लाज्मा में कौन से टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो डीएनए एंड आरएनए बोथ। माइकोप्लाज्मास में आरएनए एंड डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जो वायरस पार्टिकल उसमें वायरल वायरस पार्टिकल्स होते हैं उसमें आइदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर डीएनए प्रेजेंट हुआ तो आरएनए नहीं होगा, या फिर आरएनए हुआ तो डीएनए नहीं होगा, कोई भी एक ही प्रेजेंट होता है वायरसेस में। एंड बैक्टीरिया और प्लाज्मिड्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टायर पंचायतराज सिस्टम वॉज गिवन बाय, तो टू टायर पंचायतराज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी जो थी उन्होंने टू टायर पंचायतराज सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। सिमिलरली जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने थ्री टायर पंचायतराज सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। बी सीवारामन कमेटी ने नाबार्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। मोहन सिंह मेहता कमेटी ने कृषि विज्ञान केंद्र या फिर KVKs का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। एंड एम नरसिम्हन कमिटीज़ ने रीजनल रूरल बैंक्स का जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। आगे बात करते हैं एग्री मंत्रा 2.0 के बारे में, जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है, जिसमें एग्रीकल्चर जॉब्स एंड एग्रीकल्चर अपडेट्स हम समय समय पर देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ मेल स्टराइल लाइन इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कौन सी लाइन जो है वो एज अ मेल स्टराइल लाइन यूज़ की जाती है, तो ए लाइन इसका करेक्ट आंसर है। ए लाइन जो है मेल स्टराइल लाइन एज अ यूज़ की जाती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। सो ए लाइन को तो मेल स्टराइल लाइन एज अ यूज़ किया गया है किया जाता है। सिमिलरली बी लाइन एंड आर लाइन जो है उसको मेल फर्टाइल लाइन एज अ यूज़ किया जाता है। बी लाइन को ही मेंटेनर लाइन भी कहते हैं एंड आर लाइन को रिस्टोरर लाइन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सीड एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, तो नेशनल सीड एक्ट जो है वो पास किया गया था 1966 में। सिमिलरली जो है सीड रूल जो है वो 1968 में पास किया गया था। नेशनल सीड कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1963 में। नेशनल सीड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था 1976 में। नेशनल सीड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1975 में। नेशनल सीड पॉलिसी जो है वो 2002 में लाई गई थी। एंड द सीड बिल जो है सीड बिल आया था 2004 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी? तो फील्ड कैपेसिटी पे सॉइल मॉइस्चर टेंशन कितना होता है? तो 1/3 एटमॉस्फेयर इसका करेक्ट आंसर है। तो 1/3 एटमॉस्फेयर इतने सॉइल मॉइस्चर टेंशन पे फील्ड कैपेसिटी पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो 1/3 एटमॉस्फेयर होता है। तो सिमिलरली विल्टिंग कोएफिशिएंट पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो होता है 15 एटमॉस्फेयर। अवेलेबल वाटर जो प्रेजेंट होता है वो होता है 1/3 एटमॉस्फेयर टू 15 एटमॉस्फेयर के बीच में। एंड हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट जो है उसका सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है 31 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन जो है वो होते हैं 15 इंडिया में। एंड अकॉर्डिंग टू ICAR या फिर NARP के अकॉर्डिंग देर आर 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। सिमिलरली हम बात करें एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है 21। एंड अकॉर्डिंग टू ICAR देर आर 8 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क? तो काउ मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.028 टू 1.030 इतनी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है काउ मिल्क की। सिमिलरली जो है बफेलो मिल्क की जो है काउ मिल्क से स्लाइटली ज़्यादा होती है। तो बफेलो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.030 टू 1.032। फैट्स की जो मिल्क फैट जो होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.93। एंड सॉलिड नट फैट्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.61। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज लोकेटेड एट, जिसको ही हम IISR कहते हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इट इज़ सिचुएटेड एट लखनऊ। तो शुगर केन से ही कुछ और इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड है वो भी देखते हैं। AICRP और शुगर केन दैट इज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन शुगर केन इज लोकेटेड एट लखनऊ। उसके बाद जो है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये सिचुएटेड है कोयम्बतूर में, जिसको ही SBI भी कहा जाता है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है ये कानपुर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनिमल सेंसस इज हेल्ड आफ्टर एवरी हाउ मेनी ईयर्स? एनिमल सेंसस कह लो या फिर लाइफ स्टॉक सेंसस कह लो, ये जो कितने सालों बाद किया जाता है? तो आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स इट इज़ कंडक्टेड। ओके, एनिमल सेंसस या फिर लाइफ स्टॉक सेंसस जो है वो आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स कंडक्ट किया जाता है। सिमिलरली जो है फॉरेस्ट सर्वे जो है वो आफ्टर एवरी टू ईयर्स कंडक्ट की जाती है। उसके बाद राइनो का जो सेंसस होता है वो आफ्टर एवरी थ्री ईयर्स होता है। टाइगर का सेंसस आफ्टर एवरी फोर ईयर्स होता है। एंड एलिफेंट का सेंसस है वो आफ्टर एवरी फाइव ईयर्स कंडक्ट किया जाता है। ओके, अगर आप अपने स्टडी को और इन्हांस करना चाहते हो तो एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। एंड अगर आप एग्री मंत्रा के वेरियस ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।